प्रधानमंत्री आवास योजना में आज ग्रामीण क्षेत्र में 1,20,000 रुपए आवास के लिए, शौचालय के लिए 90 दिन की मजदूरी के बराबर मानते, यह आज ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध करवाने का कार्य प्रधानमंत्री आवास योजना में हर लाभार्थी परिवार को किया जा रहा है। और जो लोग प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री आवास योजना प्रारंभ की गई है। शहरी क्षेत्र में यह राशि 2.5 लाख रुपए की हो गई। पहले शहरी क्षेत्र के लिए कोई योजना नहीं होती थी। और अगर आप देश के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर देखेंगे तो इसमें उत्तर प्रदेश में 52,77,000 परिवारों को इस सुविधा का लाभ दिया गया है। देश के अंदर 3.5 करोड़ परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित हुए हैं। ऐसे ही तमाम स्कीम है जो पहले नहीं मिल पाती थी, लेकिन विगत 9 वर्ष के दौरान बिना भेदभाव के मिलती हुई दिखाई दी है। इसमें कोई जाति का भेद नहीं, कोई क्षेत्र का नहीं, कोई भाषा का नहीं। यही तो है सबका साथ सबका विकास का, सबके विश्वास का और सबके प्रयास का। शासन की योजना सबको मिलेगी, योजना के साथ जोड़ने का जो अभिनव प्रयास हुआ, उन्हीं सब बातों को इस अभिभाषण के माध्यम से प्रस्तुत भी किया गया। अब याद करिए, कभी स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने बात कही थी, अपनी लाचार की दिखाई थी कि हम 100 पैसा भेजते हैं और नीचे 15 पैसा ही प्राप्त हो पाता है। 85 पैसा बीच के दलाल खा जाते थे, एजेंट खा जाते थे, गरीब को नहीं मिल पाता था, लाभार्थी को नहीं मिल पाता था। यहां तक कि विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन की राशि में भी लोग कमीशन लेते थे। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने डीबीटी के माध्यम से पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में जा रहा है, बीच में कोई नहीं ले सकता, कोई सेल नहीं लगा सकता है, सीधे उसके खाते में पैसा, हर योजना का पैसा सीधे लाभार्थी के अकाउंट में जाएगा। और इसके माध्यम से भ्रष्टाचार पर पूरी तरह नकेल कसने का काम हुआ है। सामान्य दिनों में सरकार अपनी योजना बनाती है, लेकिन विपत्ति के समय भी सरकार किस मजबूती के साथ खड़ी रही, इसका उदाहरण आप सबके सामने। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। उत्तर प्रदेश के अंदर 40 करोड़ वैक्सीन की डोजेस दी जा चुकी हैं और देश के अंदर 220 करोड़ वैक्सीन की डोजेस फ्री में देशवासियों को प्राप्त हुई है। इतना बड़ा वैक्सीन का ड्राइव दुनिया के अंदर कहीं और नहीं मिला है, कहीं नहीं देखने को मिला है, और इतना सिस्टमेटिक तरीके से नहीं मिला। दुनिया के अंदर बड़े बड़े देश हैं, बड़ी बड़ी महाशक्तियां हैं, लेकिन इतना सिस्टमेटिक तरीके से वैक्सीन के लिए कहीं कोई आपाधापी नहीं, हर व्यक्ति को मिला। और बीमारी के अंदर 9 महीने के अंदर वैक्सीन का आ जाना एक नए भारत की नई तस्वीर हम सबके सामने प्रस्तुत करती है। हम सब जानते हैं वैक्सीन, कोरोना आया, प्रधानमंत्री जी 2 स्वदेशी वैक्सीन लेके आ गए जो दुनिया की सबसे प्रभावी वैक्सीन है। और यह क्षेत्र इंसेफ्लाइटिस से जूझता रहा। 1977 से लेकर 2017 तक 40 वर्षों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश का मासूम दम तोड़ता रहा। न उनके लिए उपचार की व्यवस्था थी, न उनके लिए वैक्सीन की व्यवस्था ही हो पाई थी।
वैक्सीन 2005-06 में आई, वह भी विदेश से आई, लेकिन कोरोना जैसी महामारी के दौरान 9वें महीने वैक्सीन हर व्यक्ति को उपलब्ध होना प्रारंभ हो गया था। यह है सरकार की संवेदनशीलता। और कोई महामारी इससे पहले आती थी, ठीक 100 वर्ष पहले एक महामारी आई थी स्पेनिश फ्लू के नाम पे, 2.5 करोड़ से अधिक लोग मरे थे उस बीमारी से। अनुमान कर सकते हैं गांव के गांव साफ हो गए थे। लेकिन कोरोना महामारी दुनिया की सबसे तीव्र फैलाव वाली महामारी थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उसे कैसे नियंत्रित किया गया, यह भी उदाहरण हम सबके सामने है। कोरोना प्रबंधन का जो उत्कृष्ट उदाहरण भारत ने प्रस्तुत किया, दुनिया ने उसको स्वीकारा। दुनिया के बड़े बड़े देश, साधन संपन्न देश भारत की तारीफ करते हुए दिखाई दिए। WHO जैसी संस्थाओं ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की तारीफ की और सबने इस बात को कहा कि भारत का कोरोना प्रबंधन उत्कृष्ट है, दुनिया के लिए अनुकरणीय है, एक संवेदनशील सरकार करती है। लेकिन भाइयों बहनों, हर महामारी अपने साथ भूखमरी भी लेके आती थी, भूख से होने वाली मौत। क्योंकि जब हर व्यक्ति अपने लिए आबादी में बचाव के लिए उपाय करेगा, बाकी सब कुछ बंद हो जाता था। लेकिन कोरोना महामारी का सामना भी किया, दवा भी दी, वैक्सीन भी लेके आए, और वैक्सीन लेने के साथ साथ यह भी व्यवस्था सुनिश्चित की कि कोई भूखों न मरने पाए। उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन और देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने किया है। यही तो लाभ है। हर व्यक्ति की जरूरतमंद के साथ सरकार खड़ी रही, हर एक क्षेत्र में, क्या गांव के लिए, क्या गरीब के लिए, क्या किसान के लिए, क्या नौजवान के लिए, क्या महिलाओं के लिए, समाज का हर तबका इससे लाभान्वित होता हुआ दिखाई दिया। आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। भारत का वैश्विक मंच पर आज दबदबा बढ़ा है। आपने देखा होगा अफगानिस्तान में जब अमेरिका भागा तो वहां सहायता के लिए भारत की ओर सब लोग देखने लगे। रूस और यूक्रेन के युद्ध में जब दुनिया के लोग वहां फंसे हुए थे, उन्हें सुरक्षित निकालने की जब बात हुई तो प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर दोनों देशों ने सीस फायर किया। भारत अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस निकालने में सफल हुआ। और परिणाम क्या था? आज हर व्यक्ति इस बात को कहता है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध हो या दुनिया के अंदर कहीं भी, प्रधानमंत्री मोदी जी की पहल का इंतजार हर एक देश को होता है, हर एक देश को होता है। आज भारत की सामर्थ्य की कही आज कमाल है। आपने देखा होगा पिछले एक सप्ताह में, पहले इटली के प्रधानमंत्री जी आए, फिर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जी आए, अभी 21-22 में जापान के प्रधानमंत्री जी भारत आ रहे हैं, भारत की यात्रा कर रहे हैं। ये नए भारत की नई तस्वीर है। और आजादी के अमृतकाल में राष्ट्रीय पर्व और त्योहारों के साथ देश के नागरिकों को कैसे जोड़ा जाना चाहिए, हर घर तिरंगा उसका उदाहरण है। भारत की आन मान और शान का प्रतीक तिरंगा। और यही तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, आजादी के अमृत महोत्सव में पंच प्रण की बात की उन्होंने प्रत्येक नागरिक से। ये पंच प्रण क्या है? ये पंच प्रण है एक विकसित भारत का निर्माण करना, हमारे संकल्प का हिस्सा होना चाहिए पंच प्रण का रंग, विकसित भारत के निर्माण का। गुलामी के अंश को सर्वथा समाप्त करना, विरासत का सम्मान करना। विरासत का ही सम्मान है अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण।
काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण, केदारनाथ में केदारनाथ धाम का निर्माण, महाकाल में महालोक का निर्माण, ये सभी विरासत का ही सम्मान है। आजादी के उन क्रांतिकारियों का सम्मान विरासत का सम्मान है। एकता और एकात्मता के लिए कार्य करना, हम सब एक हैं, सबका साथ और सबका विकास का यह भाव उसी एकता का सूत्रपात करता है। तो नागरिकों का कर्तव्य भी, ये संविधान, हमारा संविधान हमें केवल अधिकार की बात नहीं करता है, हमारा संविधान हमें हमारे कर्तव्यों का एहसास भी कराता है कि हमारा अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति क्या कर्तव्य हैं, इन कर्तव्यों का एहसास भी कराता है। G20 जैसे देशों का नेतृत्व आज भारत कर रहा है आजादी के अमृत महोत्सव अमृत काल के अंदर, ये भारत के सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है। और इसलिए जब हम सब आज प्रत्येक शक्ति केंद्र में महामहिम राष्ट्रपति जी के सही भाषण को वाचन कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, तब हमारे सामने बातें सामने स्पष्ट होती हैं। एक तरफ वैश्विक मंच पर बढ़ती हुई भारत की ताकत का, भारत के गौरवगान की यशोगाथा दुनिया गा रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो भारत को वैश्विक मंच पर वह सम्मान नहीं देना चाहते। वे हमेशा जब भारत के बाहर रहते हैं तो दुनिया में जाके भारत की क्रिटिसाइज करते हैं, भारत की आलोचना करते हैं, भारत के लोकतंत्र को कोसते हैं। और कोसने वाले कौन लोग हैं? जिन लोगों ने स्वयं जब उन्हें अवसर मिला था लोकतंत्र के गले को घोंटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ये वही लोग हैं, ये लोकतंत्र की दुहाई वे लोग दे रहे हैं जिन्होंने लोकतंत्र के गले को दबाने में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती। दुनिया में जाते हैं भारत की बुराई करते हैं, भारत में आते हैं तो केरल में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश की बुराई करेंगे और दिल्ली में आएंगे तो केरल की बुराई करेंगे। ये इन लोगों की फितरत है, इसलिए इन चेहरों को देखने की आवश्यकता है। ये लोग देश की संसदीय परंपराओं को, देश के लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं और उसके माध्यम से फिर उसी विरासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं जो उन्हें खानदानी विरासत मिली है। बांटो और राज करो, जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे, तमाम अन्य वादों के आधार पर समाज को विभाजित करने की उनकी मानसिकता, ये विभाजन की और देश को ले जाने की जो कुत्सित प्रयास हैं, उनकी इन किसी भी उस षड्यंत्र को सफल नहीं होने देना है। महामहिम राष्ट्रपति जी का यह भाषण भारत की 8-9 वर्षों की उपलब्धियों के साथ साथ भावी योजनाओं का प्रतिनिधित्व करता है, एक नए भारत के निर्माण की। 2047 में हमारा भारत कैसा होगा वो दुनिया को मार्ग दिखाने वाला भारत होगा, दुनिया को राह दिखाने वाला मार्ग भारत होगा, एक महाशक्ति संपन्न भारत होगा। और महाशक्ति संपन्न भारत के निर्माण के लिए हम सबको मिलकर के प्रयास करना होगा। अभिभाषण को न केवल वाचन बल्कि उसकी एक एक पंक्ति अपने आप में एक मंत्र की गूंज उसके अंदर सुनाई देती है, एक नए भारत की गूंज उसके अंदर सुनाई देती है, उसको उस रूप में हम अंगीकार करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर बसारतपुर प्रथम के शक्ति केंद्र में जुटे हुए आप सभी पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का, बूथ अध्यक्षों का एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। महानगर अध्यक्ष जी को इस पूरे आयोजन के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं हरेक शक्ति केंद्र इस प्रकार के आयोजन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को हरेक कार्यकर्ता तक और नागरिक तक पहुंचाने का कार्य करेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। जय हिंद।